14.1 ध्वनि का उत्पन्न होना क्रियाकलाप एक पहला एक मीटर स्केल लें दूसरा इसके एक सिरे को 40 सेंटीमीटर तक मेज के किनारे पर कसकर दबाए रखें चित्र एक तीसरा स्केल के दूसरे सिरे को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें हमने देखा कि स्केल कंपन करने लगता है और ध्वनि उत्पन्न होती है इस क्रियाकलाप में स्केल को 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर तक रखकर दोहराएं। आपने क्या अनुभव किया क्या स्केल की लंबाई का ध्वनि पर प्रभाव पड़ा